गौतम जी नमस्कार। मैं हथियारी आश्रम कल आया, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज नए साल का पहला दिन है और आपने कहा कि मैं कोई ऐसा मैसेज दूं पब्लिक को, तो पहली बात तो ये कि मेरी शुभकामनाएं नए साल पे सभी मित्रों के लिए हैं, लेकिन सन 2020 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2020 जो गुजरा है, COVID-19 की वजह से लोग तनाव में रहे हैं। तनाव कुछ लोगों को इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे पास साइकोथेरेपी के लिए लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कुछ लोगों के मस्तिष्क बिल्कुल विक्षिप्त हो चुके हैं, डर से। उन्हें कोरोना हुआ भी नहीं, बस खाली दहशत से वो इतने घबरा गए हैं, मैं देखता हूँ हैरान भी होता हूँ। लेकिन 2020 ने जो किया, सरकार ने जो किया, वो संविधान के अंदर की बात है। संविधान के ऊपर एक और विधान है जिसे हम बोलते हैं विधि का विधान, जहाँ प्रकृति देखती है, परमात्मा देखता है क्या संतुलन बनेगा, कैसे बनेगा, वहाँ ये सब नीचे के संविधान धरे के धरे रह जाते हैं। चाइना ने क्या किया, क्यों किया, उसकी चर्चा करना बेकार है। दुनिया पे क्या गुजरी वो सबको मालूम है। लेकिन मेरा निवेदन है सभी भाइयों से कि 2020 की दहशत, COVID-19 की दहशत को लेकर बहुत विचारशील ना रहें। ये साइंस तय कर चुकी है अब तक कि फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ भाग से शरीर जितना थकता है, टूटता है, विचारों से उसका 10 गुना टूटता है, कमज़ोर होता है। एक ही टॉपिक पर लगातार अकेले बैठ के सोचते रहना, वो भी नेगेटिव, आपके दिमाग के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत घातक है। मेरा निवेदन है कि बहुत विचार ना किया करें, नेगेटिव तो बिल्कुल ना किया करें। एक बात और सिखाई 2020 ने कि कैसे रहना चाहिए, हम कितने कम खर्चे पर जीवन चला सकते हैं। हम शादियों में, पार्टियों में कई कई लाख रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए भी लगाने वाले लोग, लेकिन शादी जिसकी ठीक नहीं चलनी, नहीं चलनी। जिसके तलाक होने होने, उसका पैसे से कोई संबंध नहीं है। जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत शानदार गुजरनी है, गुजरनी है, चाहे थोड़े पैसे में शादी की हो। तो एक तो COVID-19 ने ये सिखाया कि फिजूल खर्ची से बचो। घर में रह के किस तरह आप अपने घर का ध्यान रख सकते हो, ये भी सिखाया। जहाँ नेगेटिव बातें हैं बहुत सारी, पॉजिटिव बातें भी हैं। लेकिन 2021 आ गया, आज पहला दिन है, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरा संबंध विधि के विधान से ज़्यादा है, प्रकृति को मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, प्रकृति का रहस्य है परमात्मा, मैं थोड़ा थोड़ा उसे भी समझता हूँ। ये जो नया साल आ रहा है, ये सभी के लिए शुभ होगा। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि एक नया कोरोना आ गया है, 21 गुना घातक है, ऐसी सूचनाएं आती रहेंगी, लोग अपने अपने मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करते रहेंगे, जिनकी कोई कीमत नहीं, फिजूल हैं। आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि 2021 में बिल्कुल निर्विचार होके, अगर हो सकें तो, और नहीं तो थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव रख के आप जीवन को जीना शुरू करें। आपका ये साल इतना शानदार गुजरेगा, इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा से संतुलन बनता है। और अगर 2020 में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है समाज के अंदर, इंसानियत को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, तो एक बात याद रहे कि किसी भी डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। प्रकृति का नियम है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। किसी भी नई ग्रोथ के लिए एक नया सीजन शुरू होता है। हमने पिछले महीने गुलाब की कटिंग की थी, ऐसा लग रहा था सारे फूल पत्ती गायब हो गए, अभी उनमें पत्तियों का फुटाव आया है, फूल बड़े साइज के आ रहे हैं। प्रकृति का नियम है,
डिस्ट्रक्शन के बाद जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। आप पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचना बंद कीजिए और अपना फोकस इस बात पर रखिए कि मैं अपने काम को सुचारू रूप से घर में रह के भी चला सकता हूँ, कम से कम खर्चे पे घर का जीवन चला सकता हूँ। ये 2020 को हम सिर्फ भयानक साल के रूप में ना देखें, कुछ सिखाने वाला साल भी है ये। वो सीख के नए साल में 2021 में कुछ ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग और परमात्मा से जुड़ाव। मेरी शुभकामनाएं सभी दोस्तों के लिए, सबका नया साल बहुत अच्छा बीते, ऐसी मुबारकबाद मैं सबको देता हूँ। नमस्कार।